बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ आज के डॉलर और रियाल रेट से यानी कि आपको अपडेट कर दूंगा मैं मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और एक्सचेंज रेट के हिसाब से। सबसे पहले आपको यहां पर मैं इस वीडियो में डॉलर रेट अभी बता देता हूं। मैं आपको ये बता दूं जी कि कल गूगल के ऊपर और आज भी यही शो हो रहा है कि डॉलर 121 रुपये कुछ पैसे का हो गया और रियाल 69 रुपये कुछ पैसे का हो गया। ठीक है जी, तो ये एक फेक है जी, और ये एक फेक न्यूज़ से मुराद ये है कि ये एक मिस्टेक है जो आज भी हो रही है। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डॉलर और रियाल नीचे आ चुका हो। इसकी एक रीज़न तो ये भी हो सकती है, कल आप भाइयों की तरफ से चेक भी किएगा और मुझे भी कुछ भाइयों ने कमेंट किए और साथ में कुछ बंदों ने तो व्हाट्सअप के ऊपर मुझे वो पिक्चर भी भेजी। तो इसकी रीज़न एक तो ये हो सकती है जी कि ये जानबूझकर गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रखा हो ताकि लोग जल्दी से अपने जो रियाल या उनके पास डॉलर हैं वो ट्रांसफ़र कर दें कि ये तो रेट भाई एकदम से नीचे जाना शुरू हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, इसके बिल्कुल बक्सा है, वो एक मिस्टेक आप बोल रहे हैं या उसको जो भी गलती वगैरह जो भी है, ठीक है, वो रेट सही नहीं है। ये मैं क्लियर कर दूँ जी, पहले तो ये क्लियर हो गया। रियाल डॉलर के मतलब बता दूँ, अभी भी ये ओपन एक्सचेंज रेट जो स्टेट बैंक का है वो 137 रुपये प्लस में है एंड ओपन मार्केट में 245 रुपये प्लस में आज भी जा रखा है, ठीक है। और रियाल रेट के मतलब आपको बता दूं, मैं पहले आपको एक्सचेंज रेट यहां पर दिखा दूं। कल कुछ भाइयों की तरफ से मुझसे रब्ता किया गया कि भाई आपकी वीडियोस के ऊपर हमने आपकी वीडियो देखते हैं, तो उसके हम देखने के बाद यानी कि हमने रियाल सेव किए हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि कभी कहीं गड्ढे में गिर जाए फिर पहले की तरह, यानी कि 63 रेट हुआ और हम देखते ही रह गए और बाद में 56-57 के ऊपर आ गए, तो ऐसा हरकत नहीं होगा। मैं वीडियो में क्लियर कर दूंगा जब आपको बताना होगा कि अभी भेज दें। हाँ, 1-2 रुपये आगे पीछे होता रहता है, इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी लेने की जरूरत भी नहीं होती है। आपको यहाँ पर पहले मैं एक्सचेंज रेट दिखा दूँ जी आज का, जो कि 63 रुपये 17 पैसे हो चुका है। और इंडियन रुपए की बात करें तो आपको 21 रुपये 25 पैसे एंड बांग्लादेशी टका आज 28 टके 45 पैसे हो चुका है, ठीक है जी। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से भी आपको बता दूं मैं। सबसे पहले बात करेंगे आज मनीग्राम की। मनीग्राम के रेट आज का 62 रुपये 60 पैसे है जी, और 23 रियाल इनकी फीस है जी। टैली मनी यानी कि ANB बैंक के मतलब बात करें तो आपको 62 रुपये 15 पैसे आज के रेट में दिखाई देगा और 15 रियाल इनकी फीस है जी। अगर बात करें वेस्टर्न यूनियन की, इनका 62 रुपये 13 पैसे आज का रेट रखा और 23 रियाल इनकी फीस है जी। अगर राजीव बैंक के मतलब बात करें, तहरीर राजीव, इनका रेट आज का 61 रुपये 75 पैसे है और कल एक भाई ने मुझे 62 रुपये कुछ पैसे में भी कमेंट किया था, यानी कि अगर 10-20 पैसे आप एक घंटे बाद यार रियाल भेजने चले जाएं, एक घंटा बाद में चले, एक दोस्त भेज के आप उसके एक घंटा बाद में चले, आपका और उसका दोनों का डिफरेंट होगा कुछ पैसों का, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंट होता रहता है। तो STCPA की बात करें तो आपको यहाँ पर 61 रुपये 94 पैसे रेट मिलेगा और 17 रियाल 25 हलाले इनकी फीस है जी। बैंक अल जजीरा फौरी बैंक, इनका रेट आज का 61 रुपये 85 पैसे हो चुका है और 10 एंड 17 रियाल इनकी फीस है जी। अगर इंजाज बैंक के मुताबिक बात करें तो इनका रेट आज का 62 रुपये 4 पैसे है जी और 10, 17 एंड 25 रियाल फीस है। अगर क्विक पे की बात करें तो इनका रेट आज का 62 रुपये 19 पैसे है जी और इनकी 10 एंड 17 रियाल फीस है।